नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभय में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम लहसुन की खेती अपने गार्डन में टेरेस पे गमलों में करते हैं तो उसमें जो पीलापन पड़ रहा होता है या फिर उसमें लहसुन नहीं अच्छी बन पाती है, वो किन कारणों से, हमें लहसुन की केयर कैसे करनी चाहिए कि हमें अच्छी पैदावार मिले और हम ऑर्गेनिक तरीके से उगाए हुए लहसुन यूज कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, लहसुन हम जब टेरेस पे गमलों में उगाते हैं तो स्पेस हमारे पास काफ़ी कम होता है और लहसुन की एक अच्छी चीज़ है कि इसको बहुत ज़्यादा गहरी मिट्टी नहीं चाहिए। तो जब हम लहसुन के लिए ग्रो बैग सेलेक्ट करते हैं, आप देखिए मेरा ये 9 इंच हाइट का ग्रो बैग है, 18x9 का, इसमें लहसुन बहुत अच्छे से बनेगी। तो आप मिनिमम 9 इंच का या 8 इंच का ग्रो बैग लीजिए, इतने में लहसुन आपको अच्छी मिल जाएगी। इसका एरिया ज़्यादा हो तो लहसुन आपको ज़्यादा मिलेगा। अब दोस्तों, लहसुन बुआई करने के बाद जो पहले 60 दिन होते हैं, लहसुन की बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है क्योंकि उन 60 दिनों में लहसुन नीचे बनती तो नहीं है पर उसकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। ये स्टेम जो दिख रही है आपको, मैं आपको दिखाऊं, ये जो लहसुन की स्टेम्स हैं, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्टेम है, ये जितनी मोटी होगी लहसुन उतना अच्छा आपका बनेगा। तो दोस्तों, हमें करना क्या होता है, लहसुन के लिए गुड़ाई बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। तो हमें अपने ग्रो बैग, जिस भी मिट्टी में आप लहसुन लगा रहे हो, उसकी एक निश्चित समय अंतराल पे गुड़ाई करते रहना चाहिए क्योंकि अगर आप गुड़ाई नहीं करेंगे तो मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो अगर मिट्टी हार्ड हो जाएगी तो लहसुन बहुत अच्छे से बैठेगा नहीं, अच्छी लहसुन की कलियाँ बनेंगी नहीं। गुड़ाई होगी तो मिट्टी भुरभुरी रहती है तो कलियाँ अच्छी बनती हैं। उसके बाद इसकी जो केयर करनी होती है, हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना होता है। जब एक्सेस वाटर एक्स्ट्रा हो जाता है इसमें लहसुन के हमारे उसमें मिट्टी में, तो पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं और लहसुन नीचे से सड़ने और गलने लगता है। तो मिट्टी में आप पानी तभी दें जब आपको मिट्टी पूरी तरह से ड्राई लगने लगे। तो वाटरिंग का बहुत खास ख्याल रखना होता है लहसुन प्याज में। इसके अलावा दोस्तों, हमें एक निश्चित टाइम अंतराल पे इसमें कंपोस्टिंग करते हैं, काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपको अवेलेबल हो उसकी हल्की छिड़काव करके आपको गुड़ाई करते रहना है। इस तरह से आप देखिए, आप लहसुन के खेत में अपने ग्रो बैग में जिस किसी भी चीज़ में आपने लहसुन लगा रखा है, अच्छे से इसमें आपने कंपोस्टिंग करनी है और कंपोस्टिंग करके फिर आप वाटरिंग करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि जब हम कंपोस्टिंग करने के बाद वाटरिंग करते हैं तो वो पानी के साथ डिजॉल्व होकर रूट्स को डायरेक्ट मिल जाता है। ये सारी कंपोस्ट हमारी जब हम इसके बाद वाटरिंग करेंगे तो ये रूट्स को बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, जब भी आप लहसुन के पत्तों को हार्वेस्ट करते हैं तो उसको कोशिश कीजिएगा कि जो नीचे की लीव्स होती हैं उन्हें ही हार्वेस्ट करें, ऊपर से लीव्स हार्वेस्ट ना करें। क्योंकि अगर आप ऊपर से हार्वेस्ट करेंगे तो लहसुन के ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ये तो हो गई दोस्तों हमारी ड्राई कंपोस्ट की बात और लहसुन की स्टार्टिंग केयर। जब आपका लहसुन 60 दिन का हो जाए, लगाए हुए आपको 60 दिन हो जाए, तो उसके बाद फिर आपको जो केयर करनी होती है, आप लिक्विड कंपोस्ट दें। लिक्विड कंपोस्ट आप जो प्याज से बना हुआ लिक्विड कंपोस्ट हो या फिर सरसों की खली से बना लिक्विड कंपोस्ट हो या बनाना पिल फर्टिलाइज़र हो, आप इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। प्याज से कैसे लहसुन वो प्याज के छिलकों से लिक्विड कंपोस्ट कैसे बनाएं, इसका वीडियो मेरे चैनल पे पहले भी अपलोड है, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, आप उसे चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो लिक्विड कंपोस्ट देंगे तो आप डायरेक्ट वो रूट्स को मिलेगा और लहसुन जो है वो अच्छी, उनकी जो कलियां हैं वो अच्छी बनने में सहायक होती हैं। फिर आपको फंगस से बचाने के लिए या जो लीफ अटैक होता है फंगस का, फंगिसाइड पाउडर यूज कर सकते हैं आप, या फिर आप देसी चीज़ राख, लकड़ी की राख जो सर्दियों के मौसम में आप भी जलाते होंगे घर पे या फिर कहीं ना कहीं से आपको मिली जाएगी, आप इस राख का यूज कर सकते हैं। इस राख का छिड़काव आप पत्तों पर भी और मिट्टी में भी इस प्रकार कर दें। इससे पत्ते भी हरे भरे रहते हैं, अच्छे बने रहते हैं
और मिट्टी में भी जो जो भी कुछ होगा आपके कीड़े मकोड़े इनके लिए ये फंगिसाइड का भी काम करता है। तो आप राख का स्प्रे स्प्रिंकल अपने पूरे लहसुन के पत्तों पर जरूर करें, बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही फायदेमंद है और ये एक तरह से कंपोस्ट का भी काम करता है। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी लहसुन के लिए। जो भी पत्ते आपको पीले दिख रहे हो नीचे से आप उन्हें हटा दें और इसकी गुड़ाई करते रहें। जो भी इसमें आपको कुछ खरपतवार नज़र आए उसको निकालते रहें और वाटरिंग का ख्याल रखें, आपको बहुत अच्छी लहसुन की पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।